हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी चिकन फ्राइड। उसके लिए मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं। उनको अच्छी तरह से धोने के बाद मैं उन पे डीप कट्स लगा रही हूँ। ओके जी, सारे पीसेस को कट लगाने के बाद अब कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। उसके लिए मैंने हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है जी तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली, और ये है मेरे पास 1 टी स्पून मीट टेंडराइज़र, और 2 मैंने लेमन्स लिए हैं। और ये है मेरे पास जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। इसको मैंने नमक के साथ पीस लिया था, इसलिए मैंने मसाले में नमक ऐड नहीं किया। ओके जी, अब मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और अब मैंने लिया है 1 एग, और अंडे में मैंने शामिल कर दिया है 1 चुटकी नमक, और 1 चुटकी मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च। ओके जी, एक प्लेट में मेरे पास है अंडा, और एक प्लेट में मैंने लिए हैं जी ब्रेड क्रम्स। अब इसको पहले अंडे में डिप करके फिर ऊपर से मैं ब्रेड क्रम्स लगा दूंगी। अब एक एक करके मैं सारे पीसेस को इसी तरह अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लूंगी। अच्छा जी, सारी चिकन यहाँ पे कोट हो चुकी है, और ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। इसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब चिकन के पीसेस शामिल करते हैं और डीप फ्राई करते हैं। ओके जी, मैंने चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए एक साइड पे रखा, और जब उसका कलर चेंज हो गया तो मैंने उसकी साइड चेंज कर दी। इसको कुक होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ओके जी, चिकन बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है, और अब मैंने निकाल लिया है इसको एक प्लेट में। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं, और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।